चार बार के सांसद रहे छेदी पासवान जी के द्वारा आज सासाराम जंक्शन पे लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे लिफ्ट आपके द्वारा उद्घाटन किया गया? देखिए टोटल लागत उसमें करीब करीब 50 लाख का है और मुख्य रूप से लिफ्ट लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य बहुत पहले से था, पहले पास भी हो चुका था लेकिन नहीं लगा, लेट से लगा लेकिन लगा, बात सही है। सबसे बड़ा फायदा है कि बुजुर्ग लोगों को चढ़ने में काफी परेशानी होती थी, लिफ्ट स्टेशन पर चढ़ने में काफी परेशानी होती थी, बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों को, खास करके दिव्यांग लोगों को काफी परेशानी होती थी। तीन लिफ्ट और बन रहा है तो चार लिफ्ट हो जाएगा। चार लिफ्ट होने के बाद वहाँ काफी पैसेंजरों को काफी सुविधा मिलेगी और खास करके बूढ़े लोगों को, दिव्यांग लोगों को। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम जंक्शन पे और मैं बता दूं कि मुगल सराय और गया के बीच में ये सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है और सासाराम जंक्शन पे आज यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं छेदी पासवान उनके द्वारा लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है और सासाराम में चार लिफ्ट स्टेशन पर लगवाया जाएगा सासाराम के छेदी पासवान के द्वारा। और आज यहाँ पर देख सकते हैं कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि जूम कर दिखाया जाए कि सासाराम स्टेशन पे आज यहाँ पर लिफ्ट का उद्घाटन हो चुका है और लोगों की काफी सहूलियत मिल सकती है। मैं बता दूं कि सासाराम के सांसद छेदी पासवान के द्वारा इसीलिए लिफ्ट लगाया गया है कि आम लोगों की सहूलियत मिल सके। मैं बता दूं कि लोगों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था सीढ़ियों से चढ़ने के लिए, जो बुजुर्ग होते थे, जो बीमार होते थे, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए लगातार सासाराम के जो सांसद हैं छेदी पासवान उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। लगातार स्टेशन पे देख सकते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा आज उद्घाटन किया गया और यहाँ पे जो देख सकते हैं कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि फिर से दिखाने का प्रयास किया जाए। देख सकते हैं कि लिफ्ट खुल रहा है, लोग लिफ्ट से आ रहे हैं और जा रहे हैं, लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे लोगों की सहूलियत मिल सकती है, बुजुर्ग जो हैं जो सीढ़ियों से चढ़ते थे, सीढ़ियों से चढ़ने के दरमियान काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था, जो बीमार थे उनको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। चार प्लेटफॉर्म पे सासाराम के जो सांसद हैं छेदी पासवान उनके द्वारा लिफ्ट का व्यवस्था किया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं छेदी पासवान से। चार बार के सांसद रहे छेदी पासवान जी के द्वारा आज सासाराम जंक्शन पे लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे लिफ्ट आपके द्वारा उद्घाटन किया गया? देखिए टोटल लागत उसमें करीब करीब कुल मिलाकर 50,000 रुपए का, 50 लाख का है और मुख्य रूप से लिफ्ट लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य बहुत पहले से था, पहले पास भी हो चुका था लेकिन नहीं लगा, लेट से लगा लेकिन लगा, ये बात सही है। सबसे बड़ा फायदा है कि बुजुर्ग लोगों को चढ़ने में काफी परेशानी होती थी, लिफ्ट स्टेशन पर चढ़ने में काफी परेशानी होती थी, बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों को, खास करके दिव्यांग लोगों को काफी परेशानी होती थी। उस कठिनाई को दूर करने के लिए ये लिफ्ट लगाया गया है ताकि लोग आराम से चढ़ सकें, ऊपर ट्रेन पकड़ सकें, ये इसको ध्यान में रखते हुए उस काम का कराया गया है। उसके अलावा तीन लिफ्ट और बन रहा है तो चार लिफ्ट हो जाएगा। चार लिफ्ट होने के बाद वहाँ काफी पैसेंजरों को काफी सुविधा मिलेगी और खास करके बूढ़े लोगों को, दिव्यांग लोगों को। शहरवासियों को लंबे अरसे से मांग है कि सासाराम जंक्शन की राजधानी रुके, इसके लिए आप क्या कदम उठाए? राजधानी रोकने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रयास में कहीं कोई असफल हम नहीं रहे हैं। लगातार हम किसी काम में पड़ते हैं तो गोड़ हाथ धोकर पड़ते हैं और काम को करा के हम छोड़ते हैं। देखिए आज नहीं कि कल राजधानी रुकेगी, कारण कि सासाराम के लोग काफी खुशहाल लोग हैं, धनी मनी लोग हैं, सब लोग राजधानी में चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सासाराम पर्यटक स्थल है, शेरशाह सूरी कम से कम 5 बरस दिल्ली के सल्तनत पर राज किया है, उसके नाम पर कम से कम यहाँ राजधानी रुकना चाहिए। ट्रेन तो काफी रुक रही है और ट्रेन रुकेगी भी और राजधानी के लोगों का डिमांड है काफी। तो अब हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मेरा सुझाव है कि आपको बाकी सब ट्रेन रुकने में हावड़ा से लेकर दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस है, सियालदह से लेकर राजधानी दिल्ली तक राजधानी है, उसमें समय का हेर फेर हो सकता है तो उसको नजरअंदाज करके यदि भुवनेश्वर राजधानी को हम लोग सासाराम में रोकेंगे तो 2 मिनट में कंपनसेट कर किया जा सकता है, 2 मिनट मुगल सराय कंपनसेट कर देगा और समय पकड़ लेगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आज नहीं कल राजधानी निश्चित रूप से रुकेगी, इसमें कोई दोरा नहीं है। सासाराम जंक्शन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि लिफ्ट के सामने दो लोग हैं, यहाँ पर मैं इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। तकरीबन कितने बजे आज उद्घाटन किया गया? आज 11 बजे के आसपास। अच्छा, ये लिफ्ट लग जाने से लोगों की कैसी सहूलियत मिल पाएगी? बहुत सहूलियत है, जो व्यक्ति सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में असमर्थ थे वो अब आसानी से लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। ये तो मान लीजिए कि सहूलियत तो है ही। क्या कहेंगे जो इस तरह से यहाँ के सांसद के द्वारा निर्णय लिया गया और कितने प्लेटफॉर्म पे काम किया जा रहा है लिफ्ट के लिए? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। इसके अलावा अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 6, 7 पर भी लिफ्ट का कार्य प्रगति पर है, और जो बाहर सर्कुलेटिंग एरिया से ऊपर श्रेणी पर चढ़ने के लिए है वहाँ भी एस्केलेटर का व्यवस्था हो रहा है। अच्छा, एस्केलेटर का व्यवस्था हो रहा है। हाँ जी जी। आप स्टाफ हैं, यहीं पे बहाल हैं? हाँ। क्या कहेंगे कितने लोग इसमें लिफ्ट में चढ़ कर जा सकते हैं? कम से कम 10-12 लोग जा सकते हैं, मतलब एक साथ। दस लोग मतलब क्या क्विंटल लोड ले लेता होगा? लगभग कम से कम 5-7 क्विंटल लोड ले लेगा। क्या कहेंगे लोगों की कैसी सहूलियत मिल सकती है लिफ्ट की वजह से? बहुत सी सहूलियत, दिव्यांग लोग के जो जो विकलांग भी है उनको आने जाने की सुविधा होगी। देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ लोग हैं, कह रहे हैं कि और यहाँ पर काम चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत से सारे लोगों की सहूलियत मिल सकती है लिफ्ट लगने की वजह से। जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी काफी सहूलियत हो सकता है, जो बीमार हैं उनके लिए भी काफी सहूलियत हो सकता है, जो बुजुर्ग हैं जो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सीढ़ियों के सहारे चढ़ने में, उनके लिए भी सहूलियत है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।